नमस्कार। आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, या आप चाहे कुछ भी वर्क करते हो और उससे आपको इनकम मिलती है, उस आपके उस इनकम में आप 50, 30 और 20 का फॉर्मूला लगा देना। अगर आपने अपने इनकम में यह फॉर्मूला लगा दिया ना, तो मुझे पूरा विश्वास है, बिलीव है कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। आई विल श्योर यू टू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता। अभी हाल ही में आपको पता है 2020 और 2021 में कोरोना आया था, तब लोगों को क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ, भारत पे इतना कम इफेक्ट क्यों हुआ कोरोना? क्यों? क्योंकि लोगों के पास में बचत थी। दो दो तीन तीन महीने मार्केट बंद रहा तो अपनी लाइफ अपनी बचत से चलाते रहे। लाइफ में आप चाहे पैसा कितना ही कमाना, लेकिन अगर उस पैसे की सेविंग नहीं है, इफ यू डोंट डू सेविंग योर मनी, वन डे यू विल रिग्रेट इन योर लाइफ, आई एम श्योर। अगर आपने अपने पैसों की बचत नहीं की तो एक दिन आपको अपनी लाइफ में पछताना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल, चाहे आप 1 लाख रुपए महीने के कमाते हो और महीने की सेविंग अगर आपकी 1 रुपए की नहीं है ना, तो आपके वो 1 लाख कुछ भी नहीं है, जीरो है इन माई वे, मेरी नजर में वो 1 लाख जीरो है। और अगर आप महीने के 20,000 ही कमाते हो ना, और अगर आप महीने की 1,000 रुपए भी सेविंग कर रहे हो ना, तो वो 20,000 मेरे लिए 1 लाख के रुपए के बराबर है। आपको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ आपको सेविंग करनी होगी, और सेविंग का फॉर्मूला, सबसे बेटर फॉर्मूला क्या है आपको? 50, 30 और 20 का फॉर्मूला। ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी सैलरी 40,000 है, तो 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000। 20,000 आप अपने लिए घर खर्च के लिए कर सकते हो, कोई बात नहीं। 40,000 का 50%, 20,000 आपने अपने घर खर्च के लिए कर लिया। अब बचा 30%, 30% यानी 12,000, 12,000, 12,000 रुपये आप अपने शौक मौज के लिए खर्च कर दो, कोई बात नहीं। अब बचा 20% यानी 8,000। 50, 30 और 20 के फॉर्मूले 20% यानी 40,000 की सैलरी है तो आपके उसका 20% होता है 8,000, और 8,000 तो आपको महीने में किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में बचाना ही है। अपनी आदत बना लो कि मेरी सैलरी 40,000 है, मुझे 8,000 पर मंथ बचाने हैं तो बचाने हैं किसी भी सूरत में। और वो साल भर में कितने बनते हैं? समथिंग 1 लाख रुपये बन जाते हैं। और अगर आप उनको कहीं इन्वेस्ट करते हो, और अगर 12 से 15% भी अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में पता है आपको वो 8,000 आपके 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। आप कहोगे सर महीने के 8,000 बचाएंगे 20 साल में 1 करोड़? बिल्कुल, मैं भी, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन हो सकते हैं। कैसे? कहते हैं ना वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते रहो, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे प्रॉपर्टी में करो, बस जहाँ पे भी करो, अगर आपको 12 से 15% या 15 से 16 या 17% का रिटर्न मिल गया ना, तो वो आपकी पूंजी एक समय में इतनी बड़ी हो जाएगी ना, आपको सोचो अरे यार रिटायरमेंट के वक्त, उस वक्त आपको इतनी बड़ी पूंजी मिलेगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। अपन कहते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं और कोई दूसरे कर्मचारी होते हैं, जब रिटायरमेंट होते हैं उनको 40-50 लाख रुपए मिलते हैं आज के टाइम में। अपन देखते हैं वो उनको इतने रुपए मिले, कैसे मिले? हर महीने वो अपनी सैलरी से मतलब थोड़े 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 पैसे सेविंग करते थे, कटाते रहते हैं जीपीएफ में, इसमें, फिर लास्ट में उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो वही पैसे बूंद बूंद से गड़ा भरता है। आप चाहे नौकरी पैसा हो या बिजनेसमैन हो, आपको 50, 30 और 20 का फॉर्मूला अपनाना होगा, और अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 20% सेविंग करना होगा। अगर आपने अपनी सैलरी का 20% सेविंग कर लिया ना, और उसके ऊपर अच्छा सा रिटर्न मिल गया आपको 12 से 15%, तो आपकी लाइफ
सिक्योर हो जाएगी। वरना आप जीवन में कितने ही पैसे कमाओ, करोड़ों रुपए कमा लो, अगर सेविंग नहीं है तो वो पैसे आपके लिए कुछ भी काम के नहीं है, नहीं है। आपकी लाइफ में अभी कोरोना आया था तो लोगों को सबक सिखाया गया कि सेविंग कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे कितनी प्राकृतिक आपदा आ सकती है तो उस वक्त आपकी वो सेविंग काम आएगी और आपको पता चलेगा यार मैंने बहुत ही अच्छा किया है, मैंने सेविंग किया, आज मैं आराम से दिन निकल रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ में आप सैलरी पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, ये 50, 30 और 20 का रूल अपना लेना, आपको जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा।